नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, लगातार लोअर सर्किट्स का सिलसिला जारी है, ठीक है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा डिसलाइक हुआ था दोस्तों, क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि वीकनेस यार अभी भी दिख रही है इस शेयर में और ऊपरी स्तरों में थकावट है और 400 से 410 के बीच एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है 427, क्योंकि उस समय 427 के आसपास था दोस्तों। और मैंने तब कहा था कि जो 427 है वो एक दिन और सस्टेन अगर कर पाता है, ठीक, अगर वहां से टूटेगा तो फिर से 400-410 के आसपास एक जोन है, क्योंकि लोअर सर्किट वहीं रुक रहा था, वहीं जाकर के रुकेगा। और दोस्तों वैसा ही हो रहा है, लगातार लोअर सर्किट जारी है, ठीक है। आगे क्या करें, क्या लॉस बुक कर लें? बिल्कुल ही अब, क्योंकि गिरावट तो दोस्तों बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है, ठीक है। और कई लोगों का ये मानना है कि प्रॉफिट लॉस बुक कर लेते हैं और कहीं और अपना जाके निवेश करेंगे। कई लोग ये समझ रहे हैं कि क्या ये सही मौका है शेयर को एवरेज करने का, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे तो उसके फंडामेंटल में कोई भी ये नहीं कह रहा कि शेयर के फंडामेंटल बेकार हो गए हैं या बिजनेस अंडर परफॉर्मिंग करने वाला है, ठीक है। तो क्या करें अब, इस चीज में चर्चा करेंगे, प्लस क्या ये फ्रेश एंट्री के लिए सही मौका है, और दोस्तों किन लोगों को ये शेयर लेना चाहिए, इस हर एक चीज पे दोस्तों चर्चा होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों, ताकि औरों को रिकमेंड हो। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आजकल बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि जो गिरावट है मार्केट में उसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें लोग डरे हुए हैं, तो मैं बहुत वीडियो बना रहा हूँ। आज भी 2-3 वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और YouTube हर नोटिफिकेशन दे नहीं रहा दोस्तों, इसीलिए चैनल को जाके ज्वाइन करें ताकि आपको ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अनबायस तरीके से आपको मिलती रहे। अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों एक और आप देखिए लोअर सर्किट, फिर 5%। पिछले अगर एक महीने की बात करें दोस्तों 23% से भी ज्यादा की गिरावट है, और अगर 563 से मैं अगर गिनूं तो दोस्तों ये गिरावट आप देखिए, ये आपको कितनी हो जाएगी, आप देखो खुद देखिए 27% की गिरावट पिछले 6 महीने में। अभी भी ये 80% है दोस्तों, 81% दोस्तों तेजी दिखा चुका है, और इसने जो अपना टाइम हाई बनाया था 5.598 से अगर करें तो आप देखिए ऑलरेडी 30% ये शेयर गिर चुका है दोस्तों, ठीक है। और अब लोगों को लग रहा है भाई, वो लोग जो दोस्तों सोचिए आप इसका 52 वीक अगर आप लो देखेंगे ना, 52 वीक हाई 628 रुपीस दोस्तों, कैन यू बिलीव इट, 628 रुपीस था। और अब जो लोग यहां पे 600 में आसपास शेयर खरीदे होंगे, कि उस समय दोस्तों इतना यूफोरिया था कि बस ये शेयर अब गिर ही नहीं सकता, ठीक है। और जब गिरावट आज वो दोस्तों आज वो 400 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। एक बात समझो कि जो फंडामेंटल है वो दोस्तों हमेशा रहेंगे इंटैक्ट, ठीक है। एक शेयर की जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो आज नहीं तो कल आएगा। और जो दोस्तों स्मॉल कैप होता है ना, जो स्मॉल कैप स्टॉक होता है वो दोस्तों जितना वो तेजी से ऊपर जाता है उतना ही तेजी से नीचे आता है, ये बात आप समझिए चीजों को। और वही हाल हुआ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का, जिस तरीके से उसने दोस्तों जबरदस्त रिटर्न दिए उसके बाद जितना वो भाग गया था उसको आज नहीं तो कल गिरना ही था, ठीक है, और वही हो रहा है। तो अब आगे क्या करें दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आप एक माइंडसेट बनाइए कि भाई आपने जो ये शेयर लिया है उसको लिया था, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, और दोस्तों लॉन्ग टर्म मतलब लिटरली में 1 से 2 साल, ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इन स्तरों में आपको एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। और ये जो करंट मार्केट प्राइस दोस्तों ये अपने बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास है, क्या है वो सपोर्ट मैं आगे आपको बताऊंगा, इसीलिए छोटा छोटा खरीद के एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मार्केट दोस्तों अभी थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में है, ठीक है, और ये अभी मान के चलिए एएसएम लिस्ट में, इसीलिए आपको इतना कम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे जब ये ओपन होगा तो दोस्तों या तो वो ऐसे धड़ाम गिरेगा या तो फिर वो ऐसे भाग जाएगा ऊपर स्तरों में, ठीक है। अगर धड़ाम भी गिरता है तो याद रखिए हम एवरेज कर सकें, क्योंकि फॉर अ लॉन्गर टर्म लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में कोई इशू नहीं है। और आप यही कारण है, आप देखिए इधर ये टिकर टेप है दोस्तों, इसमें आप इसकी रेटिंग देखिए 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक,
ठीक है, प्राइस अपसाइड दोस्तों 50% आसपास दी गई है। लेकिन अब ये भी देखिए दोस्तों, हाई रिस्क है, वॉलिटिलिटी इतनी जबरदस्त हाई है कि मैं आपसे क्या बताऊं। ये चीज को आप परेशान अपने आस पास रखिए। याद रखिएगा कि स्मॉल कैप है, यानी कि इसमें गिरावट हो सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप अगर मार्केट गिरता है, स्मॉल कैप सबसे पहला स्टॉक होता है जिसमें मार पड़ती है। स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है ये, पूरा का पूरा सेक्टर अभी दोस्तों किसमें चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर में चल रहा है, ठीक है। और आप देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में क्या कोई रेड फ्लैग है दोस्तों, इतनी गिरावट के बावजूद इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू को हाई कहा जा रहा है, यानी करंट मार्केट करंट प्राइस मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे इसको महंगा कहा जा रहा है 30% गिरावट के बावजूद, ठीक है। रिटर्न वर्सेस एफडी तो आपको पता है जबरदस्त रिटर्न दे चुका है, डिविडेंड का उतना डेटा है नहीं क्योंकि अभी अभी आया है दोस्तों ये स्टॉक, एंट्री पॉइंट गुड है क्योंकि ओवरबॉट जोन में अब नहीं रहा है, ठीक है। एएसएम लिस्ट में ये इसका एक रेड फ्लैग है, ठीक है, वो दोस्तों आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। और दोस्तों यही मौके होते हैं एक अच्छी कंपनी को एक्यूमुलेट करने के, मैं कह रहा हूं दोस्तों फिर से एक्यूमुलेट कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर गिरता है दोस्तों, ठीक है, मार्केट वीकनेस है, मार्केट गिरता है, वैसे आज मार्केट रीबाउंड किया है, देखते हैं कल ही सस्टेन होता है कि नहीं, तो याद रखिएगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक उसमें नहीं बचेगा। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक आज भी बहुत ज्यादा बुलिश हूं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा टेक्निकल की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये हर एक चीज में बेरिश तो है, आप देख लीजिए इसको, लेकिन जो एक 100 डे EM है ना SMA, देखिए आप वहां एक सपोर्ट ही ले सकता है जो बनता है 389 में। अगर कोई निवेशक एग्रेसिव है, थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, वो ये तो करंट में ले ले, या दोस्तों ये जो स्टॉक है ना इसको इसको 389 के आसपास स्टार्ट कर सकता है एक्यूमुलेट करना। उसके बाद खुद ये सोचिए कि भाई मैं क्या करूंगा, हर फिर से 5% या 10% गिरावट में इसे एक्यूमुलेट करूंगा छोटी छोटी क्वांटिटीज में दोस्तों। फिर आप देखिएगा कुछ समय बाद आपको एक अच्छी क्वांटिटी एक अच्छे लेवल में एवरेजिंग करके आपको मिल जाएगी। और दोस्तों याद रखिएगा स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक थोड़े प्रेशर में रहेंगे थोड़े समय तक, क्योंकि क्रूड ऑयल के नाम बहुत ज्यादा हाई थे, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इनके रॉ मटेरियल्स पे। तो याद रखिएगा जो समय आने वाला रहेगा जब एक स्टॉक स्ट्रगल करता है, निचले स्तरों पर गिरावट शुरू रहती है, उसके बाद जो रैली आती है वो दोस्तों बहुत मजबूती वाली होती है। इसीलिए स्मॉल कैप स्टॉक है ये 100 EMA के आसपास SMA के आसपास आप स्टार्ट करना सोच सकते हैं, और उससे पहले 400 के आसपास एक अच्छा इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग 400 में ले सकते हैं जो रिस्क ले सकते हैं, जिन्हें रिस्क लेना नहीं पसंद वो थोड़ा इंतजार करते हैं दोस्तों। अगर 400 टूटेगा तो 100 SMA के आसपास इसे एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हैं दोस्तों। बाकी फॉर लॉन्गर टर्म हमें पता है कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इस बार दोस्तों याद रखिएगा जो बरसात हुई थी, जो जो बाढ़ आई थी, उसके कारण इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बंद थे, जिसका असर इनके सेल्स में भी हुआ है। तो देखिए दोस्तों अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस में अगर मिले निचले स्तरों पे, तो हमें उसे एक्यूमुलेट बिल्कुल करना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए यहां तक जुड़े हुए हैं उसके लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।